हिमालय अपने आप में जितना खूबसूरत है उतना ही ज्यादा रहस्यमयी भी है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है, जो भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, तिब्बत और अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। हिमालय के कई स्थानों तक पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस पर्वत श्रृंखला में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो आज तक रहस्यमयी बने हुए हैं। ऐसे में आज हम आपको हिमालय से जुड़े कुछ विचित्र रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। हिमालय के विचित्र रहस्य। हिमालय कई ऊंचे-ऊंचे पर्वतों, बर्फ के ग्लेशियर और नदियों का घर है, जहां पर्वतारोहियों का आना जाना लगा रहता है। यह इलाका साल भर बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढका रहता है, जहाँ का औसत तापमान -20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ऐसे में आम इंसान तो हिमालय की ऊंचाई पर इतनी ठंड में जाने के बारे में नहीं सोच सकता है। हालांकि कुछ लोग एडवेंचर के शौकीन होते हैं, जिन्हें नई नई चीजें देखना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हिमालय को समझ पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ की वादियों से लेकर हवाओं तक हर चीज में अलग जादू महसूस होता है। ज्ञानगंज मठ और रहस्यमयी गुफाएं। कहा जाता है कि हिमालय की पहाड़ियों पर एक बहुत ही विचित्र और जादुई आश्रम मौजूद है, जिसे ज्ञानगंज मठ या सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय के पहाड़ों और बर्फ के बीच बसा हुआ एक अद्भुत आश्रम है, जो सिर्फ सिद्ध पुरुष या इंसानों को ही दिखाई देता है। कहा जाता है कि ज्ञानगंज मठ में रहने वाला हर व्यक्ति अमर होता है। जहाँ बनी गुफाओं में साधु महाराज और ऋषि मुनि निवास करते हैं। हिमालय में लाखों साल तक तपस्या करने के बाद ऋषि मुनियों को ज्ञानगंज मठ के दर्शन होते हैं, जो अपने आप में एक अदृश्य शहर है। यह मठ सिर्फ उन्हीं ऋषियों को दिखाई देता है जो सांसारिक मोह को त्याग कर ईश्वर की प्राप्ति में सफल हो जाते हैं। यहाँ हजारों चमत्कारी गुफाएं हैं जो हवा में उड़ती हुई दिखाई देती हैं, और इस मठ तक पहुँच पाना किसी भी आम इंसान के लिए संभव नहीं है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ज्ञानगंज मठ में कई शिक्षा केंद्र हुआ करते थे, जहाँ ऋषि मुनि ज्ञान का आदान प्रदान किया करते थे। हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में भी ज्ञानगंज मठ का जिक्र मिलता है, जिसका उल्लेख सिद्धाश्रम के नाम से किया गया है। कहा जाता है कि इस जगह पर काल और समय का कोई चक्र नहीं होता है, जबकि ज्ञानगंज मठ अमरता प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। हिमालय की अद्भुत जलवायु। हिमालय की पर्वत श्रृंखला के इर्द गिर्द आने वाले राज्यों के लोग शहरों या दूसरी जगहों पर रहने वाले लोगों के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह हिमालय की बेहतरीन जलवायु है। कोई नहीं जानता कि हिमालय की वादियों में ऐसा क्या है जो वहाँ की हवाओं को इतना खास और स्वास्थ्यवर्धक बना देता है। हिमालय की वादियों में रहने वाले लोगों को दमा, टीवी, गठिया, चर्म रोग और नेत्र रोग की समस्या नहीं होती है, जबकि हिमालय के क्षेत्र में आने वाले कुछ इलाकों में इन बीमारियों का प्राकृतिक रूप से इलाज भी किया जाता है। इसके लिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों में प्रमुख केंद्र मौजूद हैं, जहां विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोग जलवायु और योग के माध्यम से खुद को स्वस्थ करते हैं। इतना ही नहीं, हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले राज्यों के लोगों की आयु सीमा भी ज्यादा होती है, जबकि वह लंबे समय तक निरोगी रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। यही वजह है कि भारत के विभिन्न राज्यों से साधु और ऋषि मुनि हिमालय में जाकर तप और योग करते हैं, क्योंकि वहां की जलवायु उनके शरीर को न सिर्फ कठोर बनाती है, बल्कि उन्हें दुर्लभ हालातों में जीवित रहने के लिए तैयार भी करती है। यह साधु -20 डिग्री के तापमान में भी निर्वस्त होकर बर्फ में तप और योग करते हैं, जिन्हें ना तो ठंड का एहसास होता है और ना ही भूख लगती है। यही वजह है कि हिमालय की जलवायु को बहुत ही अद्भुत माना जाता है, जिसकी हवाओं में ही रोगनाशक तत्व मौजूद होते हैं, और इस जलवायु में रहने वाले व्यक्ति हर तरह की बीमारी से दूर रहता है। देवताओं और पवित्र आत्माओं का घर। हिमालय में ऐसे बहुत से दुर्गम स्थान मौजूद हैं, जहां तक किसी भी इंसान का पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है। इन स्थानों पर ठंडी जलवायु के अलावा मार्ग का भ्रम पैदा होने लगता है, जिसकी वजह से हिमालय की कई जगह इंसान की पहुंच से दूर है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय की इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच देवताओं की नगरी है, जिनमें इंद्रदेव की नगरी का भी उल्लेख किया जाता है। इतना ही नहीं, ये भी माना जाता है कि हिमालय उन पवित्र आत्माओं का भी घर है जो मृत्यु के बाद धरती पर रहती हैं। ऐसा ही एक स्थान उत्तराखंड के अंतर्गत आने वाले हिमालय क्षेत्र में स्थित है, जिसे देवात्मा हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह एक दुर्गम स्थान है, जहां नेक और श्रेष्ठ
कर्म करने वाले लोगों की आत्मा मृत्यु के बाद वास करती है। ये आत्माएं न सिर्फ हिमालय की रक्षा करती हैं, बल्कि पृथ्वी पर आने वाले संकट को रोकने में भी सहायक होती हैं। कहा जाता है कि इन देवताओं को कई बार हिमालय में घूमते हुए देखा गया है, जो कैलाश पर्वत और उसके आसपास के इलाके में रहती हैं। इस जगह को एक प्रकार से स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक शोध करने वाले लोगों का मानना है कि स्वर्ग का मार्ग और स्थान हिमालय से होते हुए गुजरता है। हिम मानव का घर है हिमालय। हिमालय की सबसे विचित्र रहस्यों में से एक रहस्य हिम मानव की मौजूदगी को लेकर बना हुआ है, जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। हिमालय पर्वत पर चढ़ाई करने वाले कई पर्वतारोहियों ने हिम मानव को देखे जाने का दावा किया है, जो एक विशाल शरीर वाला वानर की तरह दिखने वाला जीव होता है। हिम मानव को येति के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी मौजूदगी को लेकर भारतीय सेना भी बयान जारी कर चुकी है। भारतीय सेना के जवानों ने साल 2019 में मकालू बरुन नेशनल पार्क के आसपास के इलाके में बर्फ पर विशालकाय पैरों के निशान देखे थे, जो 32x15 इंच वाले आकार के थे। ऐसे में हिमालय के दुर्गम स्थान पर भारतीय सेना के अलावा हिम मानव के पैरों के निशान दिखना इस बात की पुष्टि करता है कि हिमालय के दुर्गम स्थानों में आज भी येति का अस्तित्व है। आपको बता दें कि येति का रहस्य तकरीबन 900 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसे नेपाल, तिब्बत और लद्दाख के विभिन्न इलाकों में देखे जाने का दावा किया जाता है। येति के पूरे शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं, जबकि वह दो पैरों पर चलने में सक्षम होता है। यह हिम मानव गुफाओं में रहता है, जबकि भोजन की तलाश में हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा करता है। हालांकि आज तक कोई भी येति को बिल्कुल नजदीक से नहीं देख पाया है और न ही उसकी मौजूदगी को लेकर कोई सटीक सबूत मिलते हैं। लेकिन जो लोग येति की मौजूदगी पर यकीन करते हैं, उनके लिए हिमालय ही उसका पहला और आखिरी घर है। धरती पर त्रासदी का संकट। पृथ्वी और खास तौर से भारत की भौगोलिक स्थिति पर हिमालय की मौजूदगी का असर काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर हिमालय की पर्वत श्रृंखला में कोई बदलाव आता है तो उसका सीधा असर भारत के कई राज्यों पर पड़ता है। हिमालय प्राचीन काल से देवी देवताओं और साधुओं का घर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ कैलाश, मानसरोवर, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, देवप्रयाग समेत कई तीर्थ स्थान मौजूद हैं। आज इन तीर्थ स्थानों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हिमालय पर भार बढ़ने लगता है। इतना ही नहीं, तीर्थ स्थानों के आसपास दुकानें, घर और होटल आदि बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इन स्थानों पर मानव आबादी का विस्फोट हो गया है। यही वजह है कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला कमजोर होने लगी है, जिसकी वजह से पहाड़ों के ढह जाने, नदियों का उफान और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोग अपने पीछे ढेर सारी गंदगी हिमालय पर छोड़ आते हैं, जबकि नदियों और पानी को दूषित करने का काम करते हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड में केदारनाथ जैसी भयानक त्रासदी आई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई घर जमींदोज हो गए थे। हालांकि इसके बावजूद भी इंसान ने अपनी गलतियों से सबक नहीं लिया और इस साल केदारनाथ पर फिर से लाखों की भीड़ जमा हो गई थी, जिसका असर हिमालय के पहाड़ों पर पड़ता है। एक दिन दूर नहीं जब हिमालय अपनी जगह बदल देगा और इस त्रासदी से भारत का कोई राज्य नहीं बच पाएगा, जिसकी वजह से देखते ही देखते हिमालय के मलबे में भारत डूब जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हिमालय के बोझ को कम किया जाए, ताकि इसकी वजह से होने वाली प्राकृतिक आपदा को समय रहते रोका जा सके। हिमालय में यूएफओ और एलियंस। हिमालय सिर्फ अद्भुत पर्वत श्रृंखला, येति और रहस्यमयी मठ के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि इसके एक खास इलाके में एलियंस के होने का रहस्य भी छिपा हुआ है। हिमालय के अंतर्गत आने वाले लद्दाख में कोंगकाला नामक एक रहस्यमयी जगह स्थित है, जहां सिर्फ सेना के जवान ही मौजूद रहते हैं। ऐसे में इस जगह पर ड्यूटी पर तैनात जवानों ने आसमान में विचित्र सी चीज को उड़ते हुए कई बार देखा है, जो बिल्कुल किसी यूएफओ से मिलती जुलती है। इतना ही नहीं, इस इलाके से कुछ दूरी पर रहने वाले स्थानीय लोगों का दावा है कि कोंगकाला में एलियंस का बसेरा है, जो अचानक से सामने आते हैं और दूसरे ही पल एकदम से गायब हो जाते हैं। साल 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद इस इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत इस इलाके में दोनों देशों की सेना या सैनिकों को जाने की इजाजत नहीं है। भारत और चीन के सैनिक अपनी अपनी सीमा पर रहते हुए दूर से इस जगह की निगरानी करते हैं, जिसकी वजह से यह इलाका इंसानों की पहुंच से दूर है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद इंसानी चहल पहल कम होने की वजह से दूसरे ग्रह के लोगों ने इस जगह को चुना होगा, जहां से वह पृथ्वी पर आसानी से निगरानी रख सकते हैं और अपनी इच्छा से आना जाना कर सकते हैं।
हिमालय के विभिन्न रहस्यों में से एक एलियंस का रहस्य भी आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है, जिसकी वजह से यह जगह अपने आप में बहुत विचित्र मानी जाती है। कुछ इलाकों में काम नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक आइटम्स। हिमालय एक ऐसा स्थान है जहां काफी सारे पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। ऐसे में इस जगह पर मोबाइल फोन में नेटवर्क आना और फिर गायब हो जाना बहुत ही सामान्य बात है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में इस तरह की दिक्कत अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिमालय की गोद में मोलेबका नामक एक छोटा सा गांव स्थित है, जहां इलेक्ट्रिक आइटम्स अपने आप काम करना बंद कर देते हैं। इस गांव में ठहरने के लिए आने वाले पर्यटकों की घड़ियां अपने आप रुक जाती हैं, जबकि कई लोगों की घड़ियों का टाइम अपने आप बदल जाता है। हिमालय के इस गांव में बदलते हुए समय और इलेक्ट्रिक चीजों का काम न करना बहुत ही रहस्यमयी घटना माना जाता है, जिसकी वजह से कई लोगों को यह महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनके ऊपर निगरानी रख रही है। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति इस जगह पर डिटेक्टर जैसी चीजें लेकर जाता है तो वो भी काम करना बंद कर देती है, जबकि कई लोगों को दिशा का भ्रम भी हो जाता है, जिसकी वजह से वे अपने शोध कार्यों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। हिमालय में है जड़ी बूटियों का भंडार। प्राचीन काल में किसी भी बीमारी या रोग का इलाज करने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे प्राप्त करने का एकमात्र स्थान हिमालय था। रामायण में जब लक्ष्मण घायल हो गए थे तो उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी नामक एक विशेष जड़ी बूटी की जरूरत थी, जो सिर्फ और सिर्फ हिमालय पर्वत पर उगती थी। ऐसे में हनुमान जी हिमालय पर मौजूद उस पहाड़ को ही उठाकर ले आए जिसमें संजीवनी बूटी थी। हालांकि हिमालय पर्वत सिर्फ संजीवनी का ही घर नहीं है, बल्कि यहाँ विभिन्न जड़ी बूटियों के भंडार मौजूद है। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों और घनी जंगलों में ऐसी बहुत सी वनस्पति उगती है, जिसका इस्तेमाल कैंसर समेत कई प्रकार की घातक बीमारी को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि यह जड़ी बूटियां इतने दुर्गम स्थानों पर मौजूद हैं कि वहां तक पहुंच पाना और जड़ी बूटी को प्राप्त कर पाना हर इंसान के बस की बात नहीं है, जबकि हिमालय में ऐसे पेड़ और फूल भी उगते हैं जो बेहद विचित्र और स्वास्थ्य के लिए प्रभावशाली माने जाते हैं। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि और वेद बीमारियों का इलाज ढूंढने के लिए हिमालय की लंबी यात्रा किया करते थे, जो नई नई जड़ी बूटी खोजकर उसका इस्तेमाल करते थे और उस दवाई के बारे में अपने पत्रों में उल्लेख भी करते थे। कहा जाता है कि हिमालय के घने जंगलों में इंसान को अमर करने वाली जड़ी बूटी भी मौजूद है, जिसे खोजने के लिए कई राजाओं ने अपने वेद उस इलाके में भेजे थे। हालांकि अमरता की उस जड़ी बूटी को हासिल कर पाना इतना मुश्किल था कि आज तक कोई उसे खोज नहीं पाया है। हिमालय में नारीलता नामक एक अद्भुत पौधा भी पाया जाता है, जिसके फूल 20 साल में सिर्फ एक बार ही खिलते हैं। इस फूल का आकार बिल्कुल निर्वस्त स्त्री की तरह होता है, जिसकी वजह से इसे नारीलता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हिमालय के जंगलों में एक दुर्लभ प्रजाति का फूल भी पाया जाता है, जिसकी आकृति बिल्कुल हनुमान जी के मुँह की तरह होती है। यही वजह है कि हिमालय को चमत्कारी जड़ी बूटियों और फूलों का घर माना जाता है, जो अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी होते हैं। गाड़ियों को अपनी तरफ खींचती है पहाड़ी। हिमालय की पर्वत श्रृंखला जम्मू कश्मीर में फैली हुई है, जिसकी सीमा लेह से लगती है। इस जगह पर एक चमत्कारी पहाड़ मौजूद है, जिसे मैग्नेटिक हिल के नाम से जाना जाता है। दरअसल यह पहाड़ वाहनों को अपनी तरफ खींचता है, फिर चाहे गाड़ी में कोई भी व्यक्ति ना बैठा हो। आमतौर पर पहाड़ों पर अगर किसी गाड़ी को न्यूट्रल पर छोड़ दिया जाए तो वह नीचे की तरफ लुढ़कने लगती है, लेकिन मैग्नेटिक हिल दुनिया का इकलौता ऐसा पहाड़ है जो न्यूट्रल पर खड़ी गाड़ी को ऊपर की तरफ यानी अपनी ओर खींचता है। इस पहाड़ी के इर्द गिर्द मौजूद सड़क पर गाड़ियां 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने आप चलने लगती हैं, जबकि अगर कोई व्यक्ति कार ड्राइव कर रहा होता है तो उसके ब्रेक लगाने के बावजूद भी गाड़ी रुकती नहीं है। ऐसे में मैग्नेटिक हिल के आसपास ड्राइव करने वाले लोग ना चाहते हुए भी कई बार पहाड़ की तरफ खींचते हुए ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, जिसकी वजह से इस जगह को हिमालय की रहस्यमयी जगह माना जाता है। तो ये थे हिमालय से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।